ये क्या कर रही हूं मैं? मैंने तो उबलते हुए पानी में रोटी को डाल दिया है। क्या बनेगा इससे? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी बनेगा बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। वीडियो को आप पूरा देखेंगे ना तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि बाजरे की रोटी का इस तरह से भी कुछ बनाया जा सकता है जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी है और बहुत ज्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें ये जो आप पानी देख रहे हैं ये नॉर्मल वाला नहीं है। वीडियो को हम जल्दी से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर बाजरे की रोटियां बनानी है। उसके लिए 2 कप बाजरे का आटा लिया है मैंने। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। नमक थोड़ा कम ही ऐड करना है। फिर नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे और नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर का पानी होना चाहिए। उस पानी से हम आटे को गूंथ लेंगे। मतलब इसका सॉफ्ट डो लगाना है हमें, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट डो जैसे हम रोटी के लिए नॉर्मली बाजरे की रोटी बनाते हैं वैसे ही करना है, क्योंकि हम इसकी रोटी ही बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पानी मिक्स करते हुए इसका डो बना लिया है। और ये बहुत ज़्यादा हाथों से चिपकता भी नहीं है, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है तो हाथ हमारे एकदम साफ होते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इस तरह से मकई का आटा लगाना या फिर बाजरे का लगाना अच्छा लगता है। डो मैंने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है। आप चाहें तो चकला भी ले सकते हैं, कोई भी आपको चीज़ मिले, या फिर ऐसे ही फर्श पर कोई भी कपड़ा या रूमाल साफ होना चाहिए और गीला होना चाहिए, उसको बिछा लेना है। और यहाँ पर अब देखिए, मैंने जो डो लगाया था उसमें से मैंने 1/3 हिस्सा इसका ले लिया है। अब इस तरह से इसको फ्लैट करेंगे हम हाथ से, ताकि अच्छे से हमारी जो रोटी है वो फैल जाए। और थोड़ी बड़ी साइज़ में बनाएंगे। मोटी भी बना सकते हो आप, पतली भी बना सकते हो, पर बहुत ज़्यादा पतली मत कीजिएगा। नॉर्मल साइज़ में ही हमें ये रोटी बनानी है और मीडियम थिक रखनी है। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हो, बहुत ज़्यादा पतली नहीं। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाते हुए इस तरह से मैं उंगलियों की हेल्प से इसको प्रेस कर रही हूँ और ये एकदम गोल रोटी बनकर हमारी तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने तवा गर्म होने रख दिया था। तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए और फिर यहाँ पर हम रोटी को पलट देंगे। बिल्कुल भी ये चिपकेगी नहीं, टूटेगी भी नहीं और बहुत ही अच्छे से रोटी बनेगी। अगर आपको हाथ से रोटी बनाना आता है तो आप वैसे भी बना सकते हैं। ये मुझे इजी लगता है, हाथ से भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए, एक साइड से ये सिक गई है और दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक चुकी है। इस तरह से कलछी की हेल्प से इसको निकालेंगे तो ये बिल्कुल टूटेगी भी नहीं। यहाँ पर देखिए, रोटी अच्छे से सिक चुकी है। अब हम इसे डायरेक्ट गैस की फ्लेम पर सेकेंगे। तो गैस की फ्लेम को एकदम लो रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है, नहीं तो रोटी ऊपर ऊपर से जल जाएगी, अंदर से एकदम कच्ची रहेगी, यानी अंदर का जो आटा है वो कच्चा रहेगा। ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ना, ये हमने ढाबे पर, मेरे जो देवर हैं वो खाकर आए थे और उन्होंने मुझे बताया था। तो मैंने कहा, मतलब इस तरह से मैंने भी कुछ देखा हुआ था पहले भी। मैंने एक रील देखी थी जो कि यहाँ गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैंने सोचा ये मैं घर पे भी बना सकती हूँ। तो मैंने बनाया, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मुझे लगा कि आपके साथ इसकी वीडियो भी शेयर करनी चाहिए ताकि आप भी इसका आनंद ले सकें। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और साथ में हेल्दी भी है। तो यहाँ पर देखिए, रोटी को मैंने अच्छे से सेक लिया है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सेकने में, क्योंकि मैं एकदम लो फ्लेम पर सेक रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूसरी रोटी भी सेक ली है। पहले इसको भी तवे पर सेका था, फिर गैस पर दोनों साइड से इसको अच्छे से सेक लिया है। तो हमारी दोनों रोटी तैयार हो चुकी हैं। अब चलते हैं, हाथ से रोटी बनाना सीखते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से रोटी बनाना नहीं आती है। हाथ से मैं बनाती हूँ तो बहुत छोटी छोटी बनाती हूँ, गोल गोल बन जाती है और अच्छे से थोड़ी फूल भी जाती है, तो मैं थोड़ी छोटी बनाती हूँ। पर मुझे ये बड़ी बनानी थी, आज ट्राई कर रही थी, तो मैंने ये हाथ से रोटी इस तरह से बेल ली है। उंगलियों की हेल्प से ही आराम से बेल पाते हैं, मतलब उंगलियों से ही या हाथ में अच्छे से फैल जाती है। तो इसको भी अच्छे से गैस पर सेक लेंगे और देखिए, एकदम हल्की फ्लेम पर सेकनी है। बाकी जो 2 रोटियां सिकी हैं उससे ये वाली रोटी थोड़ी अलग सिकी है, दिखने में भी थोड़ी सही लग रही है। वो वाली ज़्यादा ही तवे पर चिपक जाती है। तो ये हमारी तीनों रोटी बाजरे की बनकर तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल, 2 बड़े चम्मच, थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल चाहिए। और इसमें फिर डालेंगे राई। और यहाँ पर देखिए, अब मैंने डाला है लहसुन का, लहसुन को दरदरा कूट के उसका पेस्ट डाला है। आपको अगर लहसुन नहीं डालना है, लहसुन प्याज को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और टेस्ट में कोई ऊपर नीचे नहीं होने वाला कुछ भी, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा फिर भी। तो देखिए, लहसुन को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, अच्छे से मतलब भुन लिया है।
इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम अनियन। तो यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज़ के अनियन को बारीक चॉप कर लिया था। अच्छे से इसको भून लेंगे, कलर चेंज होने देंगे, फिर इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, इन्हें भी अच्छे से चॉप कर लिया है। और देखिए इसे भी अच्छे से हमें भुनना है थोड़ी सी देर के लिए। उसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे। तीखा आपको कैसा करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है वैसे, लेकिन ये जो रेसिपी है ना, ये जो बनने वाला है, ये थोड़ा तीखा स्पाइसी ही अच्छा लगता है। अब इसमें मसाले डालेंगे, तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है। तीखी वाली लाल मिर्च डाली है, थोड़ी ज़्यादा इसी मैंने डाली है, 1 छोटी चम्मच, और बाकी दोनों चीज़ें आधी आधी चम्मच है। और हमारा मसाला भी अच्छे से भुन रहा है। मसाले का ऑयल सेपरेट होना चाहिए, तब तक हमें इसको अच्छे से भुनना है। जैसे ही ऑयल सेपरेट होने लग जाए, फिर हम इसमें डालेंगे अपनी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस वाली छाछ, यानी बटर मिल्क। तो यहाँ पर मैंने 500 ml बटर मिल्क लिया है, और ग्लास में आप देखिए तो 2 ग्लास, यानी 250 ml वाले 2 ग्लास मैंने ये छाछ ली है। तो टोटल 500 ml मैंने ये बटर मिल्क लिया है। चम्मच को इसी तरह से चलाते रहिएगा कंटिन्यू, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता है तब तक, क्योंकि अगर आपने बीच में चम्मच छोड़ दी तो ये छाछ जो है फट जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैं कंटिन्यू हाथ को चला रही हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर हाई कर दिया था, और 7 से 8 मिनट बाद ही इसमें देखिए बॉईल आने लगा है। तो इस तरह से बॉईल आने लगेगा तब आप करछी को चलाना बंद कर सकते हैं। आपकी गैस की फ्लेम अगर हाई होगी तो बहुत जल्दी आ जाएगा। अब जैसे ही इसमें उबाल आ जाए तब हम डालेंगे हमारी बनाई हुई मक्के की रोटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो देखिए मैंने अभी यहाँ पर 2 रोटियाँ डाली हैं सिर्फ। पहले हम इनको अच्छे से मतलब नीचे तक गला देंगे। ये जैसे जैसे बॉईल होगी ना, वैसे ही ये हल्की सी गलती जाएगी, सॉफ्ट होती जाएगी, पूरी तरह से एकदम मैसी नहीं होगी, इसकी चिंता मत कीजिएगा। अब यहाँ पर जो एक और रोटी बची थी वो भी मैंने इसमें डाल दी, क्योंकि छाछ थोड़ी ज़्यादा ही है तो 3 रोटी अच्छे से हो जाएंगे। अगर छाछ की क्वांटिटी कम होगी तो आप 2 रोटी ही डाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए रोटी को अच्छे से मैं इस तरह से पीसेस में डिवाइड कर रही हूँ चम्मच की हेल्प से। गेहूं की रोटी अगर होती है तो वो डालते ही पूरी घुल जाती है, लेकिन ये वाली रोटी वैसी नहीं होगी तो ये खाने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं इसको चम्मच से इसके पीसेस कट कर रही हूँ। ऐसे ही आपको करना है, और नहीं तो आपके पास ऐसी कोई कलछी हो जो एकदम धार वाली होती है ना, जैसे मैंने ये हाथ में ली है, ऐसी अगर हो तो आप उससे भी इसके पीसेस कट कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप तो ये उतना नहीं होगा, तो हमें थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगी सिर्फ 1 या 2 मिनट की। तो ये बहुत ज़्यादा वाली मेहनत नहीं है, और यहाँ पर हमारा काम पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर हम डालेंगे इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, और 1/4 चम्मच मैंने डाला है इसमें चाट मसाला, बस ऐसे ही डाल दिया। ऑप्शनल है पूरी तरह से, बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल बिल्कुल नहीं है। लहसुन प्याज और ये चाट मसाला। तो देखिए सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, और ये हमारे जो रेसिपी है ये बनकर तैयार हो गई है। और इसका नाम है, गुजराती लोग बोलते हैं कुछ, बघारेलो रोटलो। ये एक मासी बनाती हैं, उनके ढाबे से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने बहुत टाइम पहले रील देखी थी, और अभी फिर से मुझे देखने को मिली, तो मैंने कहा ये घर पे बनाया जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भैया ने भी, मतलब मेरे देवर ने भी बहुत तारीफ़ की थी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था, और उन्होंने तो बोला था कि ये ढाबे से भी ज़्यादा अच्छा बना है। वो ढाबे पर खाकर आए थे कहीं, तो उनको ये उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा था। तो मतलब मैं तो बहुत खुश हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए हरा धनिया डाल दिया है मैंने, गार्निशिंग कर दी है, और हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है कम्प्लीटली। इससे ज़्यादा पतला नहीं और इससे ज़्यादा थिक भी नहीं करना है। पतला होगा तो चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा थिक नहीं करिएगा। और जब सब लोग खाने के लिए बैठें तो आप गरम गरम इसे परोस सकते हैं। अगर ये ठंडा होगा तो एकदम ड्राई हो जाएगा, और आपको इसमें और भी बटर मिल्क ऐड करने की ज़रूरत रहेगी। तो बटर मिल्क को अच्छे से बॉईल करके ही आप इसमें ऐड करिएगा, अगर बाय चांस ये कभी ठंडा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल दिया है, और अब इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। आपके पास अगर लहसुन की चटनी है या फिर बना लीजिएगा, तो उसके साथ में ये खाने में अच्छा लगेगा, साथ में पापड़ अचार, बस मज़ा आ जाएगा। ये थोड़ा सा खट्टा लगता है और तीखा भी है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है खाने में। गार्निशिंग कर देंगे थोड़ी सी हरे धनिए के साथ में, और बस अब ये बघारेलो रोटलो बनकर तैयार हो चुका है। बाजरे के बहुत सारे न्यूट्रिशंस है इसमें और छाछ है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी बाकी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करना है, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर से मिल सके। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।